फ्रेंड्स, वेलकम टू चस्का चैनल। आज हम बनाने लगे हैं इफ्तार के लिए मज़ेदार से ब्रेड रोल्स और ब्रेड पकोड़े। इसके लिए हमने लिया है, आलू उबले हुए हैं, मैश कर लिए हैं, इसमें श्रेडेड चिकन है जो मैंने बॉईल की थी। पानी में मैंने एक अदरक का टुकड़ा डाला था, दो तीन काली मिर्ची डाली थी, दो तीन लौंग डाले थे और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। इसमें मैंने मसाले लिए हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है, ज़ीरा जो है मैंने क्रश किया हुआ है और नमक है। और मैंने साथ में इसमें डालना है ये हरा धनिया और पुदीना बारीक कुतरा हुआ। इसको हमने अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को मैश कर लेना है। इसको हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। मैश तो ऑलरेडी किया हुआ है, बस इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारा हर तरफ से इसका मसाला मिक्स हो जाए। A few moments later, देखिए हम अच्छी तरीके से इसका स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हमने लेना है ब्रेड जो हमने साइडों से इसके जो थे काट लिए थे, किनारे आपने वेस्ट नहीं करने, वही किनारे आप उसको ड्राई करें, उनको चॉपर पे पीस कर रख लें, वही हमारे घर के ब्रेड जो क्रम्स होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। अब उनको फ्रेश को भी पीस कर रख लें, क्योंकि बहुत सी रेसिपीज ऐसी होती हैं जिसमें हमारे फ्रेश यूज़ होते हैं, फ्रेश ब्रेड यूज़ होती है जो चूरा करके। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने पानी में, ये पानी है इसमें मैंने थोड़ा सा चुटकी नमक डाल लिया था, इसमें हमने सिर्फ डालना है और निकालना है। फिर हमने इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है ताकि ये फ्लैट हो जाए बिल्कुल। अब हमने इसमें इस तरह से रख के इसमें थोड़ा सा हमने समझे कि एक मुट्ठी के बराबर हल्का सा हमने इसको रोल इस तरह से हाथ में कबाब की शक्ल दे देनी है जो ओवल होती है। इसको यहाँ पे सेंटर में रखना है और इसको दबा देना है। जब इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, तो ये हमारा अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, और इसको एक दफ़ा फिर से प्रेस करें ताकि इसके अंदर जो पानी हो वो हमारा निकल जाए। ये देखें इस तरह से ये हमारे रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक और बताती हूँ, सिर्फ हमें फ़ौरन डालना है, फ़ौरन ही निकाल लेना है, क्योंकि अच्छी खासी वो इतनी देर में ही अच्छा पानी जज्ब कर लेती है ब्रेड। हमने पानी निकाल लिया, हमने हाथ में इसको क्रॉस में रखना है क्योंकि हमने जिसमें क्रॉस में इसको बंद करना है। हमने इस तरह से मुट्ठी की तरह फॉर्म में बनाई, इसको हमने यूँ क्रॉस में रखा और इसको हमने यूँ दबा देना है। ये गीला होता है तो इसको हम इसके फॉर्म्स में बिठा देते हैं, जिस शेप में हमने बिठाना है। इसको हम गोल करके भी, कचौरियों की शक्ल में भी बना सकते हैं। इसको इस वक्त मैंने रोल की शक्ल दी है, कोन की शक्ल दी है, कोन शेप में। ये देखें इस तरह से, जहाँ से आपके लगे कि आलू निकल रहा है इसको थोड़ा सा अपनी उंगलियों से प्रेस कर लें। आज मैंने ग्लव्स इसलिए यूज़ नहीं किए थे कि मुझे इस तरह से इसको ब्रेड को प्रेस करना था, तो वो प्लास्टिक जो हमारे जो ग्लव्स होते हैं जिस मटेरियल के बने होते हैं उसके साथ प्रेस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आज मैंने ग्लव्स यूज़ नहीं किए थे। ये देखें इस तरह से अब हमने जितने भी बनाने हैं इसको बना के इसको हमने थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे, जितनी देर हम इसको ड्राई करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर हमने गीले पकाए तो वो पानी को ज़्यादा जज्ब करेंगे। इस तरह हमने सारे अपने रेडी कर लेने हैं। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, फिर हम सारे इसको रेडी करके रख लेंगे। हमने इसको जो है स्लाइसिस को एक दूसरे ऑल्टरनेट उसमें फॉर्म में काटना है, यानी कि एक को हमने इस तरह से कर लेना है, करके हमने इसको इस तरह से इसकी फिल कर लेना है और इसको हमने बैटर बनाना है। फिर हम जब ये रोल्स हम रेडी करके इसको ड्राई करने के लिए रखेंगे तो इतनी देर में उसका बैटर भी रेडी कर लेंगे। इसको आपने डबल कर देना है और फिर इसको बैटर में डिप करके फ्राई करना है। अब हम सारे इसी तरह से अपने सारे रेडी कर लेते हैं। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड रोल्स और ब्रेड पकौड़े रेडी हो जाएंगे। हमने इस तरह से लिया, इसको स्लाइस में काट लिया है, कटिंग में ट्राइंगल शेप में हमने इसको इस तरह से फिलिंग रख देनी है हमारी। ये सिर्फ आप आलू के बना लें, आप उसमें वेजिटेबल ऐड कर लें, चिकन ऐड कर लें, जिस तरह से आपने चाहें। चिकन सिर्फ चिकन के भी बनाना चाहें तो सिर्फ चिकन टिक्का मसाला लगा के चिकन पका लें, उसको श्रेड कर लें और इस तरह से स्टफिंग बना लें। सिर्फ आलू के बनाना चाहें आलू के बनाएं, बीफ कीमे के बनाएं, जिस तरह से भी बनाना चाहें आप बना लें। अब हम सारे अपने रेडी करके रख लेते हैं, फिर हम इसका बैटर बनाएंगे। A few minutes later, ये देखें हमारे सारे फोल्ड हो गए हैं। अब इसको मैं एक घंटे तक ड्राई करने के लिए रख देती हूँ, फिर हम इंशाल्लाह इसको फ्राई करेंगे। जब तक हम इसको ड्राई करने के लिए रखेंगे तो इतनी देर में हम बैटर भी इसका रेडी कर लेंगे। One hour later, घंटा होने वाला है, अब हमारी फ्राई की तैयारी शुरू होने वाली है। तो मैंने पैन के नीचे चूल्हा ऑन कर दिया है और हम बैटर बनाने लगे हैं ताकि हमारा बैटर रेडी हो जाए।
बैटर के लिए मैंने ये दो स्पून भर के, दो से ढाई स्पून मैंने बेसन का आटा लिया था, ये मैंने लिया था राइस फ्लोर और ये मैंने लिया था मैदा। ये मैंने जो दोनों चीज़ें ली थी, मैंने एक टेबल यानी कि जो स्पून है ये भर के ली थी और ये तकरीबन ढाई के करीब ली थी। राइस फ्लोर हम लेते हैं जो चावल का आटा होता है, मैदा होता है, इससे हमारा जो बैटर होता है बहुत अच्छा बनता है और जो भी हम इसमें डिपिंग करते हैं वो अच्छी क्रिस्पी बनती है। इसमें मैंने लिया था कुटी हुई मिर्चें, जीरा, नमक और धनिया पुदीना। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको बैटर बना लेना है। ये मैंने जो इस तरह के जो रोल्स थे वो मैंने जो कम बनाए हैं, इसलिए इसका मैं बैटर कम बना रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनाएं। हमारे जो रोल्स फॉर्म में थे वो ज़्यादा क्वांटिटी है और ये जो ट्रायंगल फॉर्म थे वो मैंने आपको बताने के लिए किए थे, तो वो मेरे कम फॉर्म में है, कम है, तकरीबन वो 5 से 6 हैं, तो 5 से 6 के हिसाब से ही मैंने इसका बैटर रेडी किया है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एकदम से पानी ना डालें, समझ लगे बहुत ज़्यादा पतला हो गया। अब ये देखें, इसको मैं अच्छी तरह से बीट करूँगी तो ये स्मूथ सा बन जाएगा। बस हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, बस इस हद तक हो कि इसकी जो कोटिंग हो जाए और जो इसके एजेस खुले हुए हैं वो कवर हो जाए, वहाँ से कोई भी हमारी चीज़ बाहर ना आए। ये देखें हमारा, ये देखें, ये हमारा इस इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी। बस ठीक है, अब हम फ्राई की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमारे 1 घंटे बाद अच्छी तरीके से ये हार्ड होने लगे हैं, थोड़ा सा इसका क्रंच क्रंच सा हो जाना चाहिए क्रस्ट इसका, ताकि ये ज़्यादा ऑयल ना पिए। अगर हमने गीले में इसको कर लिया वो फ्राई तो हो जाएंगे लेकिन वो ऑयल बहुत ज़्यादा पिएंगे, तो ड्राई फॉर्म में होंगे तो वो क्रिस्पी भी बनेंगे और ऑयल ज़्यादा नहीं लेंगे हमारा। देखें ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने आपको पहले भी बताया था ऑयल को चेक करने का तरीका कि हम इसको हाथ ऊपर देंगे तो हमारे हाथ में हीट आने लगेगी, तो हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका होगा। अब हम पहले ये रोल वाले ब्रेड जो सिंपल वाले हैं, ब्रेड रोल वाले, वो फ्राई करेंगे। एक तरफ से थोड़ी देर जब हमारा फ्राई हो जाएगा तो उसको फिर हम दूसरी तरफ पलटेंगे। थोड़ी देर हो चुकी है, ये देखें इसको हम हल्का से गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करेंगे, गोल्डन ब्राउन से इसमें कलर आएगा तो हमने इसको निकाल लेना है। A few moments later. ये हमारे सारे रोल्स रेडी हो चुके हैं, इसको हमने निकाल लिया है। अब हम इसको जो हमने ट्राइंगल शेप बनाए थे उसको कोट करके और उसको फिर फ्राई करेंगे। इसको हमने इस तरह से लेना है, इसको एक साइड हमने डाली, दूसरी साइड की, और फिर हमने साइडों से इसको इस तरह करके ताकि इसकी जो एजेस हैं वो कवर हो जाए हमारे। इसको हमने थोड़ा सा हाथ से प्रेस भी कर देना है और इसको हमने इस तरह से डिप कर देना है। दूसरा मैं करने लगी हूँ, इसको इस तरह से कर लें या इजी भी कर लें, जो साइडों में हम इसको स्पून से कर लें, जैसे आपको सहूलत हो, जैसे आप कर सकें आसानी से इतना कर लें। और इसको हम दूसरी साइड पे भी कर देते हैं। एजेस से दबाना इसलिए होता है कि ये हमारा जो अंदर हमने स्टफिंग की है वो बाहर ना आए। ये हमने दूसरा भी डाल दिया हमारा। अब इसको हम जो हमारे हैं सारे इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा इसको खुले खुले करेंगे ताकि उनको पलटने में हमारी आसानी रहे। हम ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, कढ़ाई बेशक हमारी बड़ी है लेकिन दो दो तीन तीन ही सही है, क्योंकि फिर वो पलटने में इनको मुश्किल हो जाएगी। ये देखें ये हमारे कवर हो चुके हैं, बाउंड हो चुके हैं एजेस। अब हमने इनको भी लाइट ब्राउन सा फ्राई कर लेना है। अब हम सारे इनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। A few moments later. देखिए हमारे सारे ये ट्राइंगल वाले भी सारे हो चुके हैं और ये देखें हमारा बैटर जितना हमने रेडी किया था 5 के लिए, यानी कि तकरीबन मैंने 5 स्पून ही लिया था सारे आटे मिला के, सवा सवा तकरीबन 1 से 1.25 के करीब मैंने वो लिए थे मैदा और राइस फ्लोर लिया था और बेसन तकरीबन मैंने 2.5 लिया था, यानी कि 5, यानी कि आप देखें कि मेरे 5 बने हैं। तो आप इस तरह से अंदाज़ा रख लें अपना कि जो 5 होते हैं अगर हमारे, तो इसके लिए हमें 5 स्पून कोटिंग चाहिए। अच्छा, अब हमारा ये जो कीमा रह गया, जो हमारा जो समझें कीमा था चिकन का श्रेडेड और आलू का बैटर था, इंशाल्लाह इससे हम सहरी में मज़ेदार से पराठे बनाएंगे। अब इसको मैं सर्विंग के लिए निकालती हूँ प्लेट में। ये
रिंग के लिए निकाल लिए हैं। इसे मैंने केचप और रायते के साथ रखा है इफ्तारी के लिए। आप बनाइए, खाइए, अगर पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।